डियर एस्पिरेंट, तुम थक गए हो ना? कहीं ना कहीं सब चीजों से अब तुम पक गए हो ना? नहीं करता ना मन कुछ और पढ़ने का, दो चार लाइन्स ही सही, आगे थोड़ा और बढ़ने का। अब तो तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ता तुमने ढंग से खाया भी है या नहीं। नए नए स्टोरीज लेके, नए नए चुटकुले लेके तुम्हारा दोस्त आया भी है या नहीं। पूरी दुनिया से तुम कट के रह गए हो, दिलो दिमाग से तो जैसे तुम बट के रह गए हो। तुम्हें नहीं करनी किसी से कोई भी बात, फिर चाहे जगते ही क्यों ना रहो तुम पूरी रात। पलके भारी हो रखी है, उम्मीदें सारी खो रखी है। फ्यूचर छोड़ो, प्रेजेंट भी तुम्हें अब अंधेरे में लगता है। जब तक तुम पूरी तरह बिखर नहीं जाते तुम्हें सुकून कहां मिलता है? सोचते तो हो पर करते नहीं, कोशिश भी करते हो पर मरते नहीं। आखिर तुम्हारी गलती क्या है? ये कि तुम्हें औरों से बेहतर होना है। इसमें कोई बुराई नहीं है, एस्पिरेशंस कई बार तुम्हारा सब छीन लेती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, माना स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, मेंटली काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। पर ये भी तो देखो, कुछ साल के इस हार्डवर्क के बाद मजा कितनी आती है। हर चीज में पॉजिटिव ढूंढो। तो जीतू भैया कहते हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसे ढूंढो, नहीं होता तुमसे तो नई एक शुरुआत करो। मेहनत तो तब से कर ही रहे हो ना, तो आज थोड़ा सा आराम करो। खुद की हालत ऐसी भी मत कर लो कि तुमको ही बाद में अफसोस हो। इंसान तो तुम भी हो ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें कुछ भी ना महसूस हो? लोग कहते तो हैं एग्जाम्स का क्या है, अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर। बट कहीं ना कहीं ये भी सच है कि सिर्फ उस एग्जाम में बैठने के लिए तुमने अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। पहले तो इतना फोकस्ड और डायनामिक रहते थे, तो अब क्यों सब कुछ माइक्रोसाइज कर लिया? मैं जानता हूं तुम्हारे लिए पेपर्स सब कुछ हैं, पर तुम्हें यह भी मानना होगा कि पेपर्स के लिए सैक्रिफाइसेस ही सब कुछ नहीं है। थोड़ा ध्यान तुम खुद पे भी दो। कौन कहता है लोगों की बातें दिल पे लो? अब इतना समझ जाओ कि तुम्हें खुद को बचाना है, नहीं थकते जाग जाग के तो भी खुद को थकाना है। कोशिश करना ही जब तुम्हारे हाथ में है तो वो भी एकदम ढंग से करो। पढ़ना है ना, तो 5 घंटे छोड़ के पूरा दिन ढंग से पढ़ो। तुम्हारे कंधे पे बहुत सी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें तुम्हें हर हाल में निभाना है, और फिर जिन्होंने तुम्हें नालायक बोला है उन्हें भी तो कुछ करके दिखाना है। तो छोटा सा एक ब्रेक ले लो और फिर सोचो आगे क्या करना है, कितना सिलेबस बाकी है और कितना तुम्हें और पढ़ना है। आराम करने में कोई बुराई नहीं है, मैं भी जानता हूं खुद पे ध्यान देना ये बात एस्पिरेंट्स को किसी ने सिखाई नहीं है। बट यार तुम मशीन थोड़ी हो, और अगर होते भी तो बिना खुद को चार्ज किए तुम क्या ही कर लेते? अल्टीमेटली तो रिफ्यूल रिचार्ज होना ही पड़ता, चाहे ये सब ना करने की कोशिश तुम कितना भी करते। तो मेरी सुनो, जो सत्य है ये तुम्हारे सोने का वक्त है। आंखों को आराम दो, पल के नीचे गिराओ, खुद को थोड़ा टाइम दो। माय डियर एस्पिरेंट, तुम सो जाओ, सो जाओ।